एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोजले की खबरें। दमोजले के नोहटा थाना अंतर्गत बनवार चौकी पुलिस ने खेड़ार गांव के समीप खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक ट्रैक्टर, एक कंप्रेसर मशीन सहित विस्फोटक सामग्री को बरामद करते हुए अवैध खनन कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला कायम किया है। बनवार चौकी प्रभारी मनीष यादव ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि चौकी क्षेत्र के खेड़ार गांव के समीप गदारी हार में पत्थर की खदान में विस्फोट करके आरोपियों द्वारा अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर के एक टीम गठित की गई और टीम गठन के बाद घेराबंदी करके खनन माफिया सोनू सिंह निवासी हरदुआ एवं तीरथ हरवार पर सुहा को पकड़ा गया है। उनके पास से एक ट्रैक्टर, एक कंप्रेसर मशीन सहित बरामद की गई है। वहीं डेटोनेटर जिलेटिन भी बरामद किया गया है। इसको लेकर के प्रभारी मनीष यादव ने जानकारी दी। क्या कार्रवाई की गई है? दिनांक 5/4/24 को चौकी बनवार में सूचना प्राप्त हुई थी कि गदरी हार में सोनू लोधी नामक व्यक्ति विस्फोट कर अवैध विस्फोटक पदार्थ रखे है, जो मौके पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई। जो सोनू कुर्मी अपने साथी तीरथ अहरवाल के साथ मिलकर वहाँ पे विस्फोटक लगा रहा था, जिसकी तलाशी ली गई। तलाशी पर उसके ट्रैक्टर और उनके पास से विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है एवं ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। सर कौन सा गांव है जहाँ पर ये हरदुआ ग्राम पंचायत क्षेत्र गदरीहार करके है ये? सर चौकी बनवा लगती है? हाँ, चौकी बनवार था बनवा। सर वाहन में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर मामला दर्ज किया गया? मामला दर्ज कर आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। क्या नाम था सर दोनों का? आरोपियों का एक है सोनू सिंह और दूसरा है तीरथ। थैंक यू सर।